हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंतिका मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका थियरिंग रेमेडीज पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम नवजात शिशु के जो शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, कैसे घरेलू उपचार के द्वारा हम हटा सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे की जो त्वचा है उसको साफ और उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कैसे बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको कि आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है और क्या करना है अपने बच्चे के लिए, जिससे कि आपके बच्चे की जो स्किन है वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और साथ ही साथ जो बच्चे की त्वचा पे जो बाल हैं वो भी हट जाएं। तो जो सबसे पहला मेरा टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जब भी तेल लगाना है, मालिश करना है बच्चे की, तो मालिश के बाद में आपको बच्चे की जो त्वचा है उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो आपको बच्चे की त्वचा को साफ़ करने के लिए कच्चा दूध का यूज़ करना है, क्योंकि कच्चा दूध बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है और साथ ही साथ ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये आपके बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप जब भी मालिश कर रही हैं तो मालिश करने के बाद में बच्चे का जो त्वचा है उसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कीजिए कच्चे दूध से। कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप कॉटन बॉल भी ले सकती हैं और उसको आपको कच्चे दूध में डुबा करके और उसी से बच्चे की जो स्किन है उसको अच्छे से साफ़ कर देना है। उसके बाद में आपको अपने बच्चे को किसी भी सोप से नहीं नहलाना है, आप नॉर्मल पानी से ही बच्चे को नहला दीजिए, जिससे कि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत अच्छी मॉइस्चराइज भी रहेगी और साथ ही साथ क्लियर भी रहेगी। जो दूसरा टिप है मेरा वो है आपके लिए उबटन। आप बच्चे को उबटन ज़रूर लगाइए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको बच्चे को उबटन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये उबटन आप 2 तरीके से तैयार कर सकती हैं। पहला होता है आटे से, आप आटे की लोई ले लीजिए और उस आटे की लोई में आपको हल्का सा हल्दी मिलाना है 1 चुटकी, और हल्दी के साथ में थोड़ा सा आप कच्चा दूध भी ऐड कर सकती हैं। उसी से आप जो आटा की लोई आप तैयार कर रही हैं उसको आप कच्चे दूध और हल्दी हल्का सा हल्दी डालिएगा 1 चुटकी, उससे आप तैयार कर लीजिए। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करती हैं उसी तरीके से सेम आपको तैयार करना है, और उस लोई से आप बच्चे की जो मालिश करने के बाद में आपको ये करना है, जब मालिश कर लेती हैं तब उसके बाद में बच्चे की बॉडी पर अच्छे से आपको हल्के हाथों से, बहुत तेज़ नहीं करना है रब, तो हल्के हाथों से रब करना है। आप बच्चे के पूरे शरीर पर इस तरीके से आप उसको लोई को लगा करके और रब कर दीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद ही आप बच्चे को नहलाइएगा, कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद बच्चे को नहला दीजिएगा। तो ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप बेसन से भी बच्चे के लिए बना सकती हैं उबटन। आपको थोड़ा सा बेसन लेना है और बेसन में भी आपको 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है और उसका आपको एक लोई बना लेना है, या फिर आप उसको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट के तौर पर भी तैयार कर सकती हैं। दोनों तरीके से आप तैयार कर सकती हैं और उससे आपको बच्चे की बॉडी पर रब करना है अच्छे से। बहुत ज़्यादा हार्शली आपको रब नहीं करना है, जिससे बच्चे की स्किन को कोई प्रॉब्लम हो, कोई नुकसान हो, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। तो आप बहुत तेज हाथों से मत करिएगा, हल्के हाथों से ही आप उसको लगाइए और हल्के हल्के से ही आप उसको सूख जाने पर, थोड़ा सा जब सूख जा रहा है, क्योंकि आप जब पेस्ट तैयार करेंगी और पेस्ट लगाएंगी तो थोड़ा सा जब वो सूख जाता है तब उसके बाद में आप उसको हल्के हाथों से रब करके निकाल दीजिए। इससे भी आपके बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है और साथ ही साथ जो बच्चे के छोटे छोटे रोए रहते हैं बॉडी पर वो भी निकल जाते हैं। इसको भी आप फेस पर भी यूज़ कर सकती हैं एंड साथ ही साथ बच्चे के पूरे शरीर पर यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा थर्ड जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ वो है, आप चंदन का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जब गर्मी का टाइम रहता है तो उसी टाइम पर चंदन का पाउडर बच्चे को लगाइए, क्योंकि वो ठंडा होता है, ठंडक पहुँचाता है बच्चे की बॉडी में। तो इसलिए आप गर्मी के मौसम में आप चंदन के पाउडर में भी हल्का सा 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा आपको उसमें कच्चा दूध मिला करके और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है, और जैसा मैंने आपको बेसन वाले में बताया था कि आप उसको लगा दीजिए थोड़ा सा, और लगाने के बाद थोड़ा जब सूख जा रहा है तब उसके बाद हल्के हाथों से रब करके उसको निकाल दीजिए। इससे भी बच्चे की जो बॉडी पर बाल रहते हैं वो निकल जाते हैं और बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स मेरे आपके लिए जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के जो शरीर पर छोटे छोटे बाल हैं वो भी निकल जाएंगे एंड साथ ही साथ बच्चे की जो स्किन है वो एकदम क्लियर रहेगी और बहुत ही सॉफ्ट भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।